आशा करते हैं आप लोग सब ठीक हो। तो मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर दूँ, क्योंकि मैं 3-4 दिन से ज़्यादा हो गया अपना वीडियो नहीं देखा पाई थी, क्योंकि जैसे कि आपने बताया था, मैं लास्ट वीडियो में मेरी लड़की की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी, उसको फीवर थी, तो उसकी वजह से मुझे उसके डॉक्टर के पास पहले तो सफदरजंग उसको चेकअप कराया, तो बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी, तो मेरा भी साथ में तबीयत ख़राब हो गई थी, दीपा का भी हो गई, सब कम बुखार हो गया था सबको। तो हमने सारे सफदरजंग में दिखाने के बाद बहुत भीड़ होते उधर, ज़्यादा परेशान हो, फिर हम प्राइवेट में दिखाया, तो अभी सब ठीक है। मेरी छोटी वाली लड़की को टाइफाइड हो गए थे, और बाकी हम लोगों को जैसे नॉर्मल फीवर था, वो हमसे दवाई से ठीक हो गए। तो आज हम सोच रहे हैं आज आपके साथ थोड़ा घर की रूटीन शेयर करूं, तो आज हम अपना वीडियो बना रहे हैं, तो हम सब ठीक है घर पे, और आप लोगों के आशीर्वाद से सब ठीक हो गए। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करें, तो हम सुबह को मॉर्निंग पे हमने चाय पी ली, और घर के काम काज, जैसे कि आप लोगों को पता है 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, तो मेरे दोनों लड़की भी घर पे ही है, उनको जॉब पे अब नहीं जा रहे, वो घर पे है तो काम हमारा जल्दी ख़त्म हो जाता है। पायल उधर काम कर रही थी, तो इधर हम बैठ के थोड़ा बातचीत करें, तो सोचे आज थोड़ा वीडियो अब शेयर कर लेते। तो अभी मैं दोपहर का खाने का तैयारी कर रही हूँ, सुबह का मतलब नाश्ता चाय हमारा हो चुके हैं, नाश्ता तो नहीं करा हमने, चाय और वही मट्ठी और बिस्किट वगैरह ही खाए, और अभी हम खाना डायरेक्ट बना रहे। तो खाने में हम जो है आज पनीर की सब्जी बना रही हूँ, तो थोड़ा अलग टाइप के बना रही हूँ। मेरी छोटी वाली लड़की को ना आलू डाल के पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ आज आलू डाल के मैं पनीर बनाऊँगी, तो वो दिखाऊँगी आपको कैसे बना रही हूँ। तो बस आप हमारा वीडियो को देखना और लाइक ज़रूर करना। तो देखिए मैं ये पनीर बनाऊँगी, ये ऐसे करके मैंने आलू काटा, इसको आलू को फ्राई करना है, ये मेरा मसाला प्याज लहसुन अदरक इसको पेस्ट बनेगा, और ये मेरा पनीर है, अभी इसको मैं धुल के काटूँगी छोटे टुकड़ों में, और एक कढ़ाई में तेल है, पहले पनीर फ्राई होगी फिर उसके बाद जो है ना आलू फ्राई करूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है? तो ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए मैं 1/2 किलो पनीर लाई थी, क्योंकि ऐसी घर में सबके साथ तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा खाना भी हम लोग सब कम खा रहे, तो थोड़ा सा ही लाए, ना तो हम 1 किलो ही लाते हैं पनीर, तो फालतू की चीज़ें वेस्ट करने से अच्छा कम ही लाना चाहिए ना, जब खाना हम कम खा रहे सब, तो 1/2 किलो हमारे लिए बहुत है, फिर हम शाम को भी खाना बनाना है हमें, तो हम इसलिए थोड़ा कम ही लाए। फ्रेंड ये मैं जो है ना पनीर को ऐसे छोटे टुकड़ों में काट के फिर मैं उसको ना थोड़ा तेल में हल्का सा नमक और वो तेल से तो हल्का ही फ्राई करूँगी, तो क्योंकि ऐसे कच्चा डालने से ना तो कच्चा थोड़ा सा वो आते हैं, थोड़ा वो अच्छा नहीं लगता, तेल में फ्राई करूँगा थोड़ा सही लगेगा। अभी मेरे चावल भी बन गए, बस यही सब्जी बनाने को मेरा खाना जल्दी बन जाएगी आज। बस ऐसे मैं सारे पनीरों को तल लूँगी हल्का सा हल्दी नमक डाल के, देखो थोड़ा थोड़ा नमक ऐड करूँगी इसमें मैं, देखो थोड़ा और हल्का हल्दी, बस थोड़ा कलर आने के लिए हल्दी डाला मैंने, देखिए ये मेरा छोटा वाला भाई क्या कर रहा है, इसने आंखों में पता नहीं क्यों काजल लगा लिया, और बहुत ही अजीब लग रहा है अभी मुझे, तो अभी नहाने के लिए जा रहा है, तो अभी इसने कुछ सामान मंगवाया था हमने ऑनलाइन, तो उसका कुछ है ये, तो ये देखिए मेरे भाई बैठा हुआ है अभी, और मेरी जो बहन है वो भी ज्योति सो रही है, और दूसरी वाली बहन अभी घर का काम कर रही है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रही है, वो देखिए घर में सफाई कर रही है अभी वो, क्योंकि अभी तो कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन 1 हफ्ता घर जाना नहीं जॉब पे, तो अभी वो काम कर रही है घर का, और अभी नहाने के लिए जाएगा। हाय बोल रहा है आप लोगों को, मेरी मम्मी यहाँ खाना बना रही है, और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का पनीर बन रहा है यार, हमने कभी आलू डाले नहीं,
हम कभी आलू डालते नहीं, पर आज पहली बार हम भी आलू डाल रहे हैं, तो देखते कैसे लगते हैं, क्योंकि आलू डाल के बनते बहुत, कलकत्ता में भी ज़्यादा आलू डाल के बनाते, पर हम तो नहीं बनाते, पर आज देखते थोड़ा सा बना के। मेरी लड़की ने काफ़ी बार बोला था कि मम्मी एक बार आलू डाल के बनाओ, तो मैंने सोचा उसकी तबीयत भी ठीक नहीं, उसकी पसंद का ही खाना बना लेती हूँ आज। तो बस ये मम्मी ने अभी पनीर फ्राई कर लिया है, ये देखिए मतलब ऐसे ही फ्राई करना है, सारे फ्राई हो चुके हैं, और बाकी मेरी मम्मी सारे पनीर को ऐसे ही फ्राई कर लेगी अभी, फिर मिलते हैं आपको, जो उसकी रेसिपी होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपको दिखाती हूँ कि अभी उस कमरे में क्या चल रहा है। तो जैसे आपको बताया था कि अभी सफाई वगैरह चल रही है, आपको दिखाती हूँ, ये तो हमारा दूसरा वाला रूम है, कौन सफाई कर रहा है ये देखिए, मेरी छोटी वाली बहन आज सफाई कर रही है घर का, पंखे साफ़ करने की जिम्मेदारी मिल रही है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लंबी है घर में, मम्मी की और मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी, मतलब इतनी भी छोटी नहीं है, पर वो थोड़ी लंबी है हमसे, तो उसका आराम से हाथ पहुँच जाता है पंखे तक, और वैसे ही मुझे ऊँचाई से डर लगता है, तो मैं पंखे साफ़ नहीं करती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। तो ये देखिए मेरा छोटा वाला भाई उसको परेशान कर रहा है, वो स्टूल हिला रहा है कि वो गिर जाए, वो मस्ती कर रहा है उसके साथ और शर्मा गया। तो ये देखिए अभी पंखे वंखे साफ़ हो रहे हैं, देखिए अभी इसके बाद पायल तुम्हारा और क्या काम है, और बहुत डिफिकल्ट वाला काम है पोछा लगना, अभी पोछा लगेगा। मैं गिर जाऊंगी, ये देखिए वो कितना डर रही है। चलो फिर आपको मैं दिखाती हूँ मेरी मम्मी उधर क्या कर रही है। अभी पनीर तो फ्राई हो चुका है, आई थिंक अब खाना बनाने की स्टार्टिंग कर रही है, तो वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करना है। तो चलते, पंखे साफ हो गए हैं और मेरी बहन यहाँ पे पोछा लगा रही है, ये देखिए आज उसने बोला कि आज मैं करूँगी घर का काम, आप लोग मत करो, तो वो पोछा लगा रही है। दिखा मैं पोछा लगा रही हूँ, ये देखो लग गया पोछा। दूसरे रूम में मम्मी क्योंकि वहाँ पे पनीर बना रही है ना, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल, तो वहाँ पे आपको रेसिपी भी शेयर करनी है। ये देखिए ये हमारा पार्किंग है, अभी तो फिलहाल बाहर बहुत ज़्यादा सुनसान है, ये देखिए कोई भी नहीं है, सारी शॉप्स वगैरह बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो बस अभी काम कर रहे हैं, आपके साथ शेयर करेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये आगे मैं अपने दूसरे वाले रूम में, और ये देखिए मम्मी अभी खाना बना रही है, आलू डाल चुके हैं, आलू फ्राई हो रहा है अभी, तो मम्मी वही हल्दी और नमक सेम चीज़ जैसे पनीर में किया था वही चीज़ रिपीट करेगी, इसमें भी हल्दी और नमक डाल के फ्राई करेंगे। उसके बाद जो प्याज लहसुन बना के रखा है उसका पेस्ट बनाएगी मम्मी, पाल पंखा साफ, फिर उसके बाद दोबारा वही चीज़ मेरी सिस्टर फैन साफ करेगी, वो देखिए पंखा बहुत गंदा हो गया है, उसको साफ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पापा बोल के गए कि सफाई करा लेना, फिर शाम को आओगे तो तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लेते आओगा। ये देखिए अभी फ़ोन में लग गई, थक गई है, मतलब पूरा दिन फ़ोन, फ़ोन के बिना चैन ही नहीं है। कहाँ देखती हूँ मैं फ़ोन, हाँ पता लग रहा है, वो पंखा साफ़ करते करते नीचे ही बैठ गई, अभी पंखा साफ हो रहा है। देखिए अभी घर में भी थोड़ा, अभी सोफ़ा वगैरह सारा ऐसे ही रखा हुआ है, कवर वगैरह सही होगा, टेबल वगैरह साफ़ करेगी, अभी पूरी अच्छे से सफाई होगी घर की। तो अब मैं मिलती हूँ आपको सीधा रेसिपी पे। देखिए मैं कुछ खड़े मसाला डाल रही हूँ, तो अभी इसको मैं कटोरे में रख रही हूँ, धो के तब डालेंगे। देखिए दाढ़ती है दालचीनी, तो और ये थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा काली मिर्च ख़त्म हो गए, लाना है काली मिर्च भी, और ये रही लौंग, देखिए ये थोड़ा लौंग डालना है इसमें, मैं थोड़ा खड़ा मसाला हर सब्जी में डालती तो वो अच्छे बनते बहुत सब्ज़ी इसलिए, और थोड़ा इलायची भी डालेंगे इसमें, दो चार टुकड़े इलायची की, बस ये इलायची डाल दिया मैंने, चार टुकड़ा इलायची डाल दिया, ये रही, और बस इसको मैं धो के इसमें डाल के इसका पेस्ट बना लेती हूँ।
थोड़ा मैं इसमें जरा सा जीरा भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बस इतना सा जीरा डाल देते हैं बस। अब मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। पास में बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं तो उतना माइंड मत करना क्या करें आपको, जैसे कि बता दें रेंट पे रहती हूँ अब, हम इतना बोल भी नहीं सकते दूसरे किराया शोर मचाते हैं, कोशिश तो करते छोड़ना है पर वो ये है ना अब उनकी मर्जी है, वो कभी शोर भी मचा देते हैं, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करना मेरे वीडियो को। तो ये देखिए मसाला हमारा, तो ये देखिए तेल में ले, मेरा तेल गर्म हो चुका है, देखिए मैं इसमें थोड़ा जीरा डाल रही हूँ, ये देखो ये थोड़ा जीरा चटक जाएगा, उसके बाद ये मसाला जो मैंने मिक्सी में पेस्ट बनाया उसको डालूंगी, और 3-4 पत्ता तेज पत्ते डालना है। हाँ, खाना बनाने की तैयारी चल रही है। और ये देखो कौन आया, ये रोशनी आई है, ये हमारे बिना इसका मन लगता ही नहीं है, हमारे पास ही रहती, जैसे ही मेरी बहन को देखती है तुरंत आवाज़ लगाने लग जाती है, है ना रोशनी, काजल लगाए रोशनी भी, अभी नहा कर आई है रोशनी भी, ये देखिए। और भी वो ज्योति अभी उठी है, उसकी भी अभी तबीयत काफ़ी ठीक है, तो ये देखिए रोशनी हाय कर दो सबको, हाय कर दो रोशनी को, इतना अच्छा लगता है हमारे पास आके, वो सबके पहले बाल फाड़ती है तब सबसे बात करती है, ये देखिए अभी इसको ना उसकी मम्मी ने ना टकला करा दिया, बाल कटवा दिए, तो गुस्से में है अभी सबसे कि मेरे बाल क्यों कट गए, ये देखिए कितनी खुशी है। मेरी मम्मी ने अभी इसमें टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर दिया है, देखिए ये रहे टमाटर, देखो दो ही टमाटर डाला मैंने मीडियम साइज का, ज़्यादा नहीं क्योंकि थोड़ा खट्टापन आ जाता तो अच्छा भी नहीं होता, तो थोड़ा ही मैंने टमाटर डाला। अभी ऐड कर रही है, मुझे लगा ऐड हो चुका है इसमें, नहीं डाल रही हूँ मैं, दो ही टमाटर डाला मैंने, दो बहुत होते हैं क्योंकि थोड़ा सब्जी है ना तो दो इसके लिए काफ़ी है। ये देखिए बहुत ही अच्छा बनता है जो मेरी मम्मी बना रही है ना पनीर जिस टाइप का, तो ये अभी और पकेगा, इसमें तेल निकलेगा तभी मैं इसमें आलू ऐड करूंगी, तो और ठीक है इसको और पकाते हैं, जब तक तेल ना छोड़ दे तब तक पकाएंगे इसको। नहीं तो मेरे मसाला गाइस फ्राई हो चुके हैं, और देखिए कितना अच्छा कलर, लाल मतलब कलर भी अच्छा है और तेल भी इसमें से निकल चुके हैं, और ये देखिए मैं आलू इसमें अभी डाल रही हूँ, बस आलू डाल के मैं 2 ही मिनट इसको पकाऊंगी, आलू को अच्छे से आलू का ना मसाला चला जाए, उसके बाद में थोड़ा पानी ऐड करूंगी, बस उसके बाद मेरा सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। ये रही मैं पानी भी रख देती हूँ, इसमें इतना ही पानी ऐड करना है मुझे, रख इसमें हम पानी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें ना तेल है, तो उसका पानी हम इसमें डालेंगे ना तो सब्जी में जो मसाले वगैरह होते हैं ना आलू में भी उसके बाद टेस्ट आ जाता थोड़ा सा, इसलिए ये डाल रहे थे। अभी हमारा फ्राई हो रहा है मतलब मसाले में मिक्स करा है, और ये देखिए मेरी मम्मी थक गई तो अभी बैठी हुई है, नहीं थक गई मम्मी बैठ गई, ये देखिए अभी इसके बाद हम सबको इतना ज़्यादा भूख लग रहा है, इसके बाद हम लोग लंच करेंगे, और अभी देखिए मेरा भाई अभी भी मस्ती कर रहा है, उसको कब से बोल रहे हैं, देखिए अरे मेरी मम्मी सब्जी में पानी ऐड कर रही है, वही पानी जो अभी दिखाया था आपको, ये बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है, ये आलू पनीर जो मम्मी बना रहे हैं ना ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी टाइम से बोल रही थी मम्मी ऐसे बनाने के लिए पनीर, तो आज फाइनली बन गया। बस इसमें इतना ही पानी ऐड करना है और ढक के पकाना है, ये देखिए ज्योति उठ गई है, ज्योति गुड मॉर्निंग बोलो, ये देखिए उसको टाइफाइड हुआ, कितनी ज्यादा वीक हो गई है, तो अभी दवाइयाँ वगैरह चल रही है उसकी, ठीक हो जाएगी जल्दी, ठीक हो जाएगी, बस इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ढक के पकाएंगे ना तो जल्दी बन जाएगी। अभी ना मेरी एक न्यू वीडियो भी आने वाली है बहुत जल्दी, मैंने एक डिफरेंट टाइप का कुछ वीडियो शूट किया है, प्लीज़ अगर आपको वो पसंद आएगा तो उसको भी लाइक करना, तो इस वीडियो के बाद जाएगी वो वीडियो, तो अभी मेरी मम्मी सब अच्छे समेट वगैरह भी है, और अभी मेरी बहन को तब से बोल रहा है पंखा साफ़ कर ले साफ़ कर ले, ये जा ही नहीं रही है, आलसी हो गई है, तो ये देखिए कपड़े वपड़े कुछ भी देखो डांट पड़ रही है उसको,
ये देखिए कपड़ा उतार के दे, मैं मम्मी डांट रही है अब उसको, मैं क्या काम ही नहीं कर रही है, बैठी हुई आराम से महारानियों की तरह। फाइनली उठ गई, अब काम कर लो। अभी फटाफट कपड़े फोल्ड करेगी। तो मेरे चाय में गरम कर रही हूँ ज्योति के लिए, बहुत सारी चाय है, सब पी सकते हैं चाय को, ऐसी कोई बात नहीं। अभी मैं बनाता थोड़ी देरी हुई, तो अभी ज्योति को फर्स्ट में चाय दूंगी, क्योंकि उसको दवाई भी देना है मुझे, इससे पहले ज्योति को दूंगी। अब इसके बाद क्या करोगे आप? इसके बाद मुझे कृष्णा को भी लुलाना है, पर कोई बाथरूम में दूसरे कोई नहा रही है, कृष्णा को नहीं लुला पाए। जब वो निकल जाएगा तो मैं कृष्णा को भी लुलाने जाऊंगी, क्योंकि शेयरिंग बाथरूम है, सब मिलकर काम करने का। दूसरा कोई जाए तो अभी मैं बैठी हूँ, तो ये भी ज्योति भी नहाएगी, कृष्णा भी नहाएगी, पायल सब एक बार नंबर लगेगा नहाने का भी। तो बस यही काम है, घर का ही काम होता है जो काम। अभी थोड़ा काम जल्दी हो जाए तो काम थोड़ा हल्का होगा, आपको पता है, क्योंकि सब मिलकर करते हैं। मैं तो सारा काम मेरे ऊपर ही रहता है, जैसे हर वीडियो में देखते हो, मैं करती हूँ, तो सब कुछ दिन की बात है, लॉकडाउन खुल जाएगा, अभी नहीं करूँगी सारे काम। देखिए अब बिस्तर वगैरह सब सेट कर रही है वो, उसके बाद फैन साफ करना है उसको। कितनी बार मैंने उसको बोला है पंखा साफ करने के लिए, सोफे का कवर भी उसने खराब कर दिया, वो भी सेट करेगी। और टेबल भी, कोच टेबल में तेल डाल दिया, दिख रहा है? ये देखिए मैंने बड़ा डब्बे में से तेल पलट के छोटे डब्बे में कर दिया, उसमें तेल भी डाल दिया, टेबल भी साफ करेगा। देखिए कितनी मेहनत करती है पायल, गीला कपड़ा लगा रहा है। ये देखो कितनी बेकार लड़की है, इतनी जल्दी थक गई है, थोड़ा सा काम करने के बाद कह रही बस खत्म। ये देखो मतलब क्या इतनी आलसी हो गई है, इतनी जल्दी थक गई, मतलब हम बोल रहे काम करने के लिए लेट भी जाके। चलो अब हम मिलते हैं सीधा को लंच पे। क्या चाहिए? हां चाहिए। अभी मैं ज्योति को चाय भी दे रही हूं, बोला बस जो टेंशन बहुत थी ज्योति की, क्योंकि आप लोगों को पता है कितनी ज्यादा मतलब कोरोना चल रहे, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था मन में, क्योंकि उसको फीवर थी बहुत, आते थे जाते थे, तो मुझे बहुत घबराहट होगा। मैंने सारा कुछ करा लिया, टेस्ट वगैरह, उसका टाइफाइड है, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी लड़की ठीक है अभी, और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मंदिर भी जाएंगे, मंदिर का भी वीडियो आपको दिखाऊंगी, अभी तो बंद है, कालका जी मंदिर भी जाने वाली हूँ मैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि नवरात्रों में हर साल जाती हूँ, इस बार मैं जा नहीं पाई, तो जैसे ही जाऊँगी ना तो आपको ज़रूर उधर की क्लिक शूट करके दिखाऊँगी। खाली पेट वाली दवाई तो मेरे सब्जी भी बन गई, देखिए फ्रेंड अभी मैंने बोला था आपको जैसे कि बहुत जल्दी बन जाएगा, तो मेरा चावल जो मैं पहले बना चुकी थी और बस ये सब्जी है बन के तैयार हो गई। ये देखिए कितना अच्छा आलू वालू मेरे, देखिए ये देखिए एक आलू तोड़ के आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए पूरा गल गए, पूरे अच्छे खासे से आलू गल गए। ये देखिए मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ, देखिए ये रही दो चार टुकड़ा मैं पाजोती के लिए रख रही हूँ, वो बोला था मम्मी तलब फ्राई वाला पनीर रखना मेरे लिए, थोड़ा मेरे लिए भी, तो मैं कुछ पनीर ऐसे रख रही हूँ, पहले कटोरी डाला तो मैं कुछ पनीर ऐसे रख दिया, और बाकी मैं सारी इसमें डाल रही हूँ मेरे। बस थोड़ा और पकाएंगे, फिर उसके बाद मैं सब्जी बनके तैयार हो जाएगी।